हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? माई सेल्फ लोहित जिंदल एंड आई वेलकम यू ऑल इन अवर नेक्स्ट सेशन ऑफ INMO फ्लैशबैक। सो गाइज, इन दिस सीरीज व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर INMO क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन इन अ वीडियो, राइट? सो गाइज, बिफोर स्टार्टिंग लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज लोहित जिंदल। आई हैव डन माई बीटेक फ्रॉम IIT बॉम्बे एंड आई हैव बीन टीचिंग मैथमेटिक्स फॉर द पास्ट 9+ ईयर्स फॉर वेरियस मैथमेटिक्स कॉम्पिटिशन एग्जाम्स लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल JEE, KVPY, मैथ्स ओलंपियाड, प्री RMO, RMO, INMO, एटसेट्रा, राइट? सो गाइज, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ऑफ द ईयर ऑफ INMO ऑफ द ईयर 2003, राइट? वी आर सॉल्विंग INMO 2003। सो आई गेस वी हैव ऑलरेडी डन टू क्वेश्चन सो फार। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ INMO 2003, राइट? सो गाइज, लेट सी। As far as I remember, this question is from algebra chapter. Okay, so let's see the question and let's try to solve it in a different way, right? So I do hope, guys, before seeing the question, before seeing the solution, basically, I am going to show you the question. Okay, आ जाते हैं नीचे. So this is the question, guys. मैं सबसे पहले, guys, आपको यही request करूँगा, please pause the video here, read the question once, and खुद से try करो इसको solve करने का पहले. Do apply half an hour or something time to try to attempt this question. क्योंकि अगर आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन देख लिया ना, सो विल नॉट फील कॉन्फिडेंट अबाउट सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, राइट? क्योंकि अगर आपने सोल्यूशन ही देख लिया डायरेक्ट, फिर आपको ऐसा लगेगा ना कि आपने नहीं किया ना डायरेक्टली, डीप इन साइड यू नो कि आपसे नहीं हुआ, तो आपको लगेगा कि ये तो समझ में आ गया, बट यू विल सी कि आपको वो कॉन्फिडेंस फील नहीं होगा, राइट? सो बेटर वे इज ट्राई करो, हो गया तो बहुत अच्छी बात है, देन दैट विल बी वेरी गुड, देन यू कैन वॉच द सॉल्यूशन एज वेल, तो आपको और कॉन्फिडेंस फील होगा कि आपने जो किया सही किया, एंड मे बी कि आपने मेरे मैं जो मेथड से बताने वाला हूँ, हो सकता है आपका मेथड थोड़ा सा डिफरेंट भी हो उससे, राइट? सो अगर आपका मेथड उससे थोड़ा सा भी डिफरेंट होगा तो आपको और अच्छा लगेगा, एंड देन यू विल बी एबल टू यू नो गेट टू नो टू डिफरेंट वेज, एक मेथड जो आपने किया और एक मेथड जो मैंने किया होगा। अदरवाइज अगर नहीं भी सॉल्व होता है, एटलीस्ट अगर आपने अटेम्प्ट किया होगा, कुछ सोचा होगा, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द सोल्यूशन क्वाइट रेडिली, यू नो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा आपको जो मैं सोल्यूशन बताने वाला हूँ, क्योंकि आपने ट्राई किया होगा, सो विल नॉट फील दैट डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड द सोल्यूशन एज वेल, ठीक है? सो दैट विल बी वेरी गुड, एंड उसके साथ आप लर्न करोगे कि क्या कर सकते थे, राइट? सो आई होप आप ट्राई करो इस क्वेश्चन को पहले, फिर सोल्यूशन देखना इसका, राइट? ओके, तो गाइस स्टार्ट करते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, शो दैट फॉर एवरी रियल नंबर ए, राइट, फॉर एवरी रियल नंबर ए द इक्वेशन, जो ये इक्वेशन गिवन है आपको, 8x⁴ माइनस 16x³ प्लस 16x² माइनस 8x प्लस ए इक्वल टू जीरो, ये जो इक्वेशन है, हैज एट लीस्ट वन नॉन रियल रूट, एटलीस्ट एक नॉन रियल रूट होगा। इन अदर टर्म्स यू कैन ट्राई टू प्रूव कि इसका एक भी, इसके सारे रूट रियल नहीं हो सकते, दैट इज वॉट यू कैन ट्राई टू से हियर। उसने बोला एटलीस्ट वन नॉन रियल रूट होगा। In other terms, you can think of this as कि इस equation के bi-quadratic case के maximum चार roots हो सकते हैं, so चारों के चारों real नहीं हो सकते, that is what you can try to understand from here, right? ये बात तो समझ में आ रही है, चारों roots real नहीं हो सकते, kind of that is the thing here, that is जो हमें prove करना है, and other than that, what we have to find is second half is find the sum of all the non-real roots of the equation. चलो, ठीक है, once we prove कि इसके सारे roots real नहीं है, then in the different cases in which it will have non-real roots, उसमें हम sum of non-real roots find करेंगे, right? Okay. So guys, इसको start कैसे करें सबसे पहले? So सही बताऊँ तो in the first glimpse of this question, first glance, what I can understand is मुझे ये चीज दिख रही है कि x power 4, अगर मैं a को भूल जाऊँ एक बार मैं a को भूल जाता हूँ, जो बाकी की चार terms हैं, I can see the coefficients are the same starting from the beginning and from the end. सेम है लेकिन उल्टे साइन के हैं, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट दीज टर्म्स गाइस, देखो 8x⁴ माइनस 16x³ प्लस 16x² माइनस 8x। अब देखो स्टार्टिंग में प्लस 8 है, लास्ट में माइनस 8 है, सेकंड टर्म माइनस 16 है, सेकंड लास्ट प्लस 16 है, सो सेम कोफिशियंट बट ऑपोजिट साइन, एंड प्लस a लिखा हुआ है यहां पे, राइट? सो व्हाट आई कैन थिंक ऑफ दिस थिंग इज, वो हमने सॉल्व करना सीखा हुआ है कि अगर एक यू नो इसमें मैं आपको एक और चीज करता हूं, यहां पे मैं 8x कॉमन निकालता हूं,
यू विल बी लेफ्ट विद एक्स क्यूब माइनस 16 की जगह आ जाएगा 2x स्क्वायर राइट प्लस 2x माइनस 1 प्लस a इक्वल टू 0 ये आ जाएगा आपके पास राइट। सो गाइस x कॉमन निकाल लिया। अब अंदर जो ब्रैकेट के अंदर इक्वेशन है लुक एट इट केयरफुली, इट इज हैविंग ऑपोजिट कोफिशिएंट्स राइट, इक्वल बट ऑपोजिट साइन के कोफिशिएंट्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड, कंपेयर करोगे अगर आप। सो ऐसे केस में ना गाइस अगर आप ब्रैकेट के अंदर वाला एक्सप्रेशन देखोगे यू विल फाइंड x इक्वल टू 1 इज इट्स रूट है ना, x को 1 रिप्लेस करने पे वो 0 आ रहा है। ओके लेट मी सॉल्व दिस थिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड सेपरेटली। सो लेट मी से दिस इज अ p ऑफ x, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 ठीक है। सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट p ऑफ 1 इज 0 है ना, p ऑफ 1 इज 1 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 1 सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 0। सो x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस थिंग राइट, इसका x माइनस 1 एक फैक्टर है। सो इसको डिवाइड कर लेते हैं, आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से जान, आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड आता है उससे जब कर सकते हो ओके, और इफ यू नो द सिंथेटिक डिवीजन आप उससे भी कर सकते हो ओके। सो आई एम फॉर यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन हियर, सो 1 माइनस 2 2 माइनस 1 एंड माई फैक्टर इज 1 राइट, सो 1 1 माइनस 1 आ जाएगा, सो माइनस 1 इंटू 1 अगेन माइनस 1 सो दिस इज 1, 1 इंटू 1 इज 1 सो दिस बिकम 0। सो दैट मीन्स गाइस इसका क्या मतलब हुआ, जो आपका p ऑफ x है इट कैन बी रिटन एज x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, जो गाइस ये वाले टर्म्स होते हैं ना 1 माइनस 1 0 दीज आर कोफिशिएंट्स एक्चुअली, सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आप लिख सकते हो। दिस इज वॉट इज p ऑफ x, मतलब ये जो ब्रैकेट है आपका पूरा का पूरा जिसको मैंने p ऑफ x लिखा था इट कैन बी फैक्टराइज इन टू दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट राइट। तो यहां पर लिखते हैं देखो 8x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू अंदर लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 राइट प्लस ए इक्वल टू 0। सो गाइस अब मुझे ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात दिख रही है यहां पे, व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, दिस इज ऑल्सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो मेरे को मौका मिल रहा है यहां पे, चांस मिल रहा है यहां पे टू कन्वर्ट दिस बाय क्वाड्रेटिक इनटू अ क्वाड्रेटिक फॉर्म, सॉल्व करने में इजी हो जाएगा राइट। सो यू कैन ऑब्जर्व हियर आई कैन रीराइट दिस इक्वेशन एज 8 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस ए इक्वल टू 0। सो गाइस यहां पे मैं क्या करता हूं, एक अब मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगा यहां पे, आई विल रिज्यूम, सो आई विल सब्स्टिट्यूट लेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू टी, लेट से मैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को टी पुट कर देता हूं, व्हाट माय इक्वेशन विल लुक लाइक 8 टी इंटू टी प्लस 1 प्लस ए इक्वल टू 0 विच आई कैन रीअरेंज एज, अब एक्सपैंड कर देते हैं, सो 8 टी स्क्वायर प्लस 8 टी प्लस ए इक्वल टू 0। सो गाइस दिस इज द इंटरमीडिएट वन स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहां तक पहुंचना। अब इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे, ध्यान से इसको सॉल्व करना है हमें ठीक है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एबल टू कन्वर्ट इट इनटू क्वाड्रेटिक राइट गाइस, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को मैं टी डाल रहा हूं राइट, ये एक बात समझनी बहुत जरूरी है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को मैं टी पुट कर रहा हूं और टी में क्वाड्रेटिक आ रहा है। नाउ देयर कुड बी टू डिफरेंट केसेस, अब जो ये क्वाड्रेटिक है या तो इसके दोनों रूट्स रियल होंगे राइट या फिर दोनों रूट्स नॉन रियल होंगे। सो हम एक फर्स्ट केस की बात करते हैं, फर्स्ट केस व्हेन बोथ द रूट्स आर नॉन रियल, अगर इस टी की क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स नॉन रियल हुए तो फिर जो एक्स वाली क्वाड्रेटिक थी, एक्स वाली बाय क्वाड्रेटिक थी उसके भी तो नॉन रियल होंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू अगर नॉन रियल आ रही है तो एक्स तो नॉन रियल ही होगा राइट, गेटिंग माई पॉइंट। तो फर्स्ट थिंग जो फुल प्रूफ है, मतलब अगर इस टी के क्वाड्रेटिक में जो इक्वेशन है अगर ये नॉन इसके रूट्स नॉन रियल हैं उन सब वैल्यूज के लिए तो पक्का नॉन रियल रूट्स ही होंगे सारे के सारे है ना, आपके एक्स की बाय क्वाड्रेटिक के। तो फर्स्ट केस इज अगर इसका डी ही नेगेटिव हो जाए है ना, इफ द डी ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज नेगेटिव इट मींस सारे रूट्स नॉन रियल हो जाएंगे, बिकॉज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू टी है और वो नॉन रियल होंगे तो एक्स के चारों रूट्स ही नॉन रियल हो जाएंगे, गेटिंग माई पॉइंट ठीक है ना, क्योंकि t की वैल्यू अगर नॉन रियल है एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू दैट t नॉन रियल होगा तो x के दोनों रूट्स नॉन रियल आएंगे, सो ओवरऑल चारों रूट्स नॉन रियल हो जाएंगे। सो गाइस इफ d इज लेस देन 0 व्हाट डज दिस मीन, इट्स का d कितना आएगा 8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 8 इंटू a इज नॉन जीरो, लेट्स से इट इज लेस देन
जीरो, ठीक है, अगर लेस देन जीरो है तो क्या होगा? सो दैट गिव्स यू, एट और एट कैंसिल हो जाएगा, दैट गिव्स यू टू माइनस ए लेस देन जीरो, राइट? ये बात क्लियर हो गई? सो गाइस ये देखो यहां पे, दैट इज अगर ए ग्रेटर देन टू है, इफ ए इज ग्रेटर देन टू, तो इसके चारों रूट्स नॉन रियल है, खत्म बात, राइट? दैट इज ओवर देयर, उतना पोर्शन तो पक्का खत्म, क्योंकि अगर इसके रूट्स दो नॉन रियल हैं, दो रूट्स दो टी की वैल्यूज आई, दोनों नॉन रियल हैं, और दोनों टी की वैल्यूज को जब आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के साथ इक्वेट करोगे, फिर और दो दो नॉन रियल वैल्यूज एक्स की आएंगी, बट बी माइंडफुल आपको एक्स की वैल्यूज के बारे में बात कर रही है, नॉट ऑफ टी, है ना? तो एक्स की चारों वैल्यूज नॉन रियल आएंगी फॉर ए ग्रेटर देन टू, ये बात तो क्लियर हो गई सबको, ठीक है? अब अच्छा एक काम करते हैं, इस क्वाड्रेटिक के ना रूट्स लिखने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज इट? टी विल बी इक्वल टू माइनस एट प्लस माइनस रूट ऑफ 64 माइनस 32a, दैट इज द डी वैल्यू अपॉन 2 इंटू 8। हम क्या करते हैं, 64 माइनस 32a में से 64 कॉमन निकाल लेते हैं, राइट? सो टी विल बी इक्वल टू माइनस एट प्लस माइनस एट रूट 1 माइनस ए बाई टू, है ना, 1 माइनस ए बाई टू अपॉन 16, सो 2 इंटू 8। सो व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज 8 तो कैंसिल हो जाएगा यहां पे, राइट? सो लेट मी स्क्रोल डाउन, सो 8 यहां पे कैंसिल हो जाएगा, सो यू आर लेफ्ट विद टी इक्वल टू माइनस 1 बाई टू, मैं फ्रैक्शन को ब्रेक भी कर रहा हूं, ओके, प्लस माइनस 1 माइनस ए बाई टू बाई टू, ठीक है गाइज? यहां तक क्लियर हो गया? अब यहां पे ना गाइज बड़ी इंटरेस्टिंग बात शुरू होती है, हमें अब ये सोचना है, जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को मैंने टी पुट किया था, उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो कितनी सकती है? अभी तक ये हमारा एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आ गया कि टी की ये दो वैल्यूज हो सकती हैं, इट हैज टू रूट्स, माइनस हाफ प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस ए बाई टू बाई टू। अब हमें ये बात सोचनी है, देखो ये भी तो है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की भी तो कोई रेंज है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सारी वैल्यूज तो अटेन कर नहीं सकता। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये बताता हूं, लेट से हैव एन एग्जाम्पल, लेट से टी का एक रूट माइनस फाइव आ रहा है, लेट से एक रूट माइनस फाइव आ गया, बट अगर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू माइनस फाइव हो ही नहीं सकती फॉर एनी एक्स, तो वहां पे भी तो नॉन रियल रूट जनरेट हो गए ना। अगर आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को माइनस फाइव लिख दोगे एंड देर इज नो रियल वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच इट इज बींग अटेन्ड, तो उसमें भी तो नेगेटिव इमेजिनरी रूट्स आएंगे, राइट? उस पर हमें फोकस करना है। सो अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाला जो एक्सप्रेशन है उसकी रेंज सोचते हैं कितनी होगी, राइट? तो मैं उसको राइट हैंड साइड पे सॉल्व कर देता हूं। देखो द एक्सप्रेशन, लेट से दिस इज सम एफ ऑफ एक्स विच इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसको मैं होल स्क्वायर कंप्लीट करता हूँ, ठीक है? सो उसके लिए मुझे 1/4 एड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट? आई हैव टू एड एंड सब्ट्रैक्ट 1/4, प्लस 1/4 करके होल स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, माइनस 1/4। सो गाइस देख सकते हो आप, दिस बिकम्स एक्स माइनस 1/2 होल स्क्वायर, राइट? माइनस 1/4। सो यहां से आप क्या देख सकते हो, दैट योर एफ ऑफ एक्स विच इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, जो ये एक्सप्रेशन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का, उसका वैल्यू क्या रहा है, एक परफेक्ट स्क्वायर माइनस 1/4, मतलब माइनस 1/4 से तो बड़ा ही होगा ना ये, दिस एक्सप्रेशन इज श्योरली गोइंग टू बी ग्रेटर देन माइनस 1/4, उससे छोटा तो हो नहीं सकता क्योंकि होल स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, इट इज आइदर जीरो और ग्रेटर, है ना? तो इसका मतलब जो बच्चों, जो आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का एक्सप्रेशन है, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1/4, तो माइनस 1/4 से छोटी वैल्यू वो अटेन कर ही नहीं सकता, वो कर ही नहीं सकता, राइट? सो गाइस जो हमने, अब नीचे आते हैं, देखो अब हमने रूट्स की एक्सप्रेशन फाइंड कर ली है, यहां से भी आप देख सकते हो, यू कैन कंफर्म दिस थिंग एज वेल, कि ए अगर ग्रेटर देन टू हो गया फिर तो टी बिलोंग्स टू, यहां से देखो, फर्स्ट केस इज इफ ए इज लेस देन टू, सॉरी इफ ए इज ग्रेटर देन टू, देन इट हैज इमेजिनरी रूट्स, राइट? ए ग्रेटर देन टू हो गया, सो ऑल फोर रूट्स देन, और या फिर आप कह सकते हो टी बिलोंग्स टू इमेजिनरी रूट्स, ओके, और या फिर टी बिलोंग्स टू नॉन रियल, ये समझ लेते हैं ना, बोथ टू, बोथ टीज, टी वन टी टू मान लेता हूं मैं, दो रूट्स हैं, बोथ टी वन टी टू आर बिलोंगिंग टू नॉन रियल इफ ए इज ग्रेटर देन टू, वो बात तो क्लियर हो गई यहां से। लेकिन लेट से वी डिस्कस अबाउट द केस व्हेन ए इज लेसर देन टू,
है ना, ए इज लेसर देन और इक्वल टू टू के लिए बात करते हैं. सो लेट्स कंसिडर दैट केस, सेकेंड केस, इफ ए इज लेसर देन और इक्वल टू टू, राइट, इफ ए इज लेसर देन इक्वल टू टू. अब उस केस के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है. सो गाइस इन दैट केस इफ ए इज लेसर देन इक्वल टू टू, आपके जो टी वन टी टू दो रूट्स आएंगे, ठीक है, लेट्स से व्हाट इज टी वन, टी वन इज माइनस हाफ प्लस, इसको ऐसा लिख लेते हैं, प्लस टू माइनस ए का रूट अपॉन टू रूट टू, है ना, थोड़ा रीअरेंज करके लिख रहा हूं उसको, सिंप्लीफाई करके. एक तो ये हो जाएगा आपका टी वन, एंड टी टू क्या बन जाएगा, माइनस हाफ माइनस रूट ऑफ टू माइनस ए अपॉन टू रूट टू, ठीक है. सो गाइस आप देख सकते हो आपके टी वन और टी टू कैसे आ रहे हैं, दीज आर इन सच अ फॉर्म कि एक रूट माइनस हाफ प्लस सम क्वांटिटी है, क्योंकि अब ए तो लेस देन टू है, तो ये वाला टर्म पॉजिटिव है. देखो पहली बात, ये वाला टर्म क्या है, जो ये एक्सप्रेशन है, ओके जस्ट अ सेकेंड, ओके. सो गाइस आप ये समझ सकते हो कि ये वाला जो पोर्शन है रूट ऑफ टू माइनस ए अपॉन टू रूट टू, ये है तो पॉजिटिव क्वांटिटी, राइट, दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी. अब माइनस हाफ में से या तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है एक रूट और दूसरे वाले में ऐड हो रहा है, यही हो रहा है टी वन के अंदर, तो वो ऐड हो रहा है माइनस हाफ में, तो रूट की वैल्यू बढ़ रही है. टी टू में वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो माइनस हाफ से और कम आ रही है वैल्यू, राइट, ये बात तो क्लियर है. अब गाइस एक बात सोचो, ये वाला जो टर्म है ना, रूट ऑफ टू माइनस ए अपॉन टू रूट टू, इसकी वैल्यू अगर 1 बाय 4 होनी है, इफ इट हैज टू बी 1 बाय 4, क्योंकि आपको देखो आपको पता है जो x स्क्वायर माइनस x है उसकी वैल्यू माइनस 1 बाय 4 या उससे बड़ी है ना, माइनस 1 बाय 4 या उससे बड़ी है. सो अब देखो इसमें क्या होगा, दो पॉसिबिलिटीज हैं जैसे हमने डिस्कस किया, एक तो a ग्रेटर देन 2 के लिए तो दोनों ही पक्का ही नॉन रियल है, बट ऐसा भी तो हो सकता है. देखो क्योंकि आपका जो t वैल्यू है अगर दोनों ही माइनस 1 बाय 4 से छोटे रह गए तो भी चारों नॉन रियल रूट्स आएंगे. अब आपको यह समझना पड़ेगा ना, यहां से टी वन टी टू के दो वैल्यूज आने वाली हैं, विच आर सेंटर अबाउट माइनस हाफ. देखो ऐसे सोचो, ऐसा हो रहा है माइनस हाफ के एक क्वांटिटी जितना लेफ्ट साइड जाती है उतनी बड़ी हो रही है ना, क्योंकि सेम क्वांटिटी इज एडेड एज वेल एज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम माइनस हाफ. तो आप ये सोच सकते हो कि ये बात तो पक्की है कि कम से कम एक टी की वैल्यू तो माइनस हाफ से छोटी आएगी, राइट. बट अगर मैं ये चाहूं कि दोनों वैल्यूज माइनस वन बाय फोर से छोटी हो, अगेन कि चारों रूट्स नॉन रियल हो जाएं, फिर भी चारों रूट्स नॉन रियल हो सकते हैं ना, ओके आई विल एक्सप्लेन अगेन. देखो एक केस तो वो था कि अगर टी की क्वाड्रेटिक का डी ही नेगेटिव हो जाए फिर तो टी के ही नॉन रियल रूट्स आएंगे, तो एक्स के तो चारों नॉन रियल आएंगे. बट इफ वी आर कंसिडरिंग कि टी के रियल रूट्स हैं, उसमें ऐसा भी तो हो सकता है, टी किसको डाला था आपने, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को, उसकी रेंज है माइनस वन बाय फोर से इंफिनिटी. अब क्या दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी, क्योंकि आपको ये तो दिख रहा है कि माइनस वन हाफ प्लस समथिंग और माइनस समथिंग हो रहा है, एंड माइनस हाफ इज लेसर देन माइनस वन बाय फोर. अब दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो आपके दोनों टी वन टी टू माइनस वन बाय फोर से छोटे होंगे, है ना, या फिर एक बड़ा हो जाएगा माइनस वन बाय फोर से, एक छोटा हो जाएगा. सो देर आर टू पॉसिबिलिटीज, वो डिस्कस करते हैं अब हम, ठीक है, उसको लिखते हैं. सो लेट्स अज्यूम, अगर गाइज आपको माइनस वन बाय फोर के से बड़े करना है एक रूट, तो ये वाला टी वन ही बड़ा होगा, T2 तो बड़ा हो नहीं सकता, वो तो सब्ट्रैक्ट ही हो रहा है ना. सो इफ T1 हैज टू बी ग्रेटर देन माइनस वन बाई फोर ग्रेटर देन इक्वल टू, उसके लिए पुट करते हैं, सो माइनस हाफ प्लस टू माइनस ए अपॉन टू रूट टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन बाई फोर, ठीक है. सो यू विल गेट टू माइनस ए अपॉन टू रूट टू ग्रेटर देन इक्वल टू वन बाई फोर, ठीक है, सॉरी स्क्वायर रूट भी आएगा, ठीक है. सो हियर यू कैन कैंसिल दिस टू विद फोर, टू आ जाएगा, और रूट टू भी कैंसिल कर देगा, रादर इसको रूट टू आ जाएगा. सो आपको मिलेगा टू माइनस ए का रूट ग्रेटर देन इक्वल टू वन बाय रूट टू, ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर दो आप. सो टू माइनस ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, सो ए क्या आ जाएगा, ए इज लेसर देन इक्वल टू थ्री बाय टू. तो आप देख रहे हो यहां से आपको क्या मिला, A will be lesser than equal to 3 by 2. कि मतलब अगर आपको दो रूट्स में से T1, T2 तो देखो माइनस हाफ से छोटा ही है,
वो बात तो पक्की है कि अगर आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को टी टू पुट करोगे फिर तो पक्का नॉन रियल रूट्स आने ही आने, राइट? वो तो क्लियर है ना, क्योंकि टी टू की वैल्यू माइनस वन बाय फोर से तो पक्का ही छोटी है, क्योंकि वो माइनस हाफ से भी कुछ माइनस कर रहा है, राइट? सो आई कैन राइट हियर दिस इज लेसर देन माइनस हाफ ऑफकोर्स, राइट? तो अगर आप उसको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के साथ इक्वेट करोगे पक्का ही नॉन रियल रूट्स आने वाले हैं, वो हम देख चुके हैं उसकी रेंज ही माइनस वन बाय फोर से बड़ी है, ठीक है? सो यूजिंग टी टू यू विल ऑलवेज गेट नॉन रियल रूट्स, बट यूजिंग टी वन देर इज अ कंडीशन, ठीक है? यूजिंग टी वन देर इज अ कंडीशन कि अगर आपको एक रूट भी रियल चाहिए तो आपका ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, लेसर देन इक्वल टू थ्री बाई टू, राइट? हमने देखा कि टी वन अगर माइनस वन बाय फोर से बड़ा होना चाहिए तो आपका जो रूट है तो ए की जो वैल्यू है दैट इज कमिंग आउट टू बी लेसर देन थ्री बाई टू, लेस देन इक्वल टू। सो नाउ गाइज इसका मतलब क्या हो गया, आई विल राइट इट डाउन, ठीक है? मैं यहां पे नीचे जाके लिख देता हूं, ध्यान से पढ़ना। नाउ यू हैव टू केसेस, फर्स्ट केस इज इफ ए इज लेस देन इक्वल टू थ्री बाई टू, ठीक है? इफ ए इज लेस देन इक्वल टू थ्री बाई टू दैट इंप्लाइज जो क्वाड्रेटिक इन टी है इट विल हैव रियल रूट्स, उसके तो रियल रूट्स हैं बट वन ऑफ द रूट इज ग्रेटर देन माइनस वन बाय फोर, ठीक है? सो बेसिकली टी वन विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन बाय फोर एंड टी टू इज लेस देन माइनस हाफ, ये मुझे पता है, राइट? अगर ए लेस देन इक्वल टू थ्री बाय टू है देन टी वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन बाय फोर, टी टू इज लेसर देन माइनस वन बाय टू, बट दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स विल हैव नॉन रियल रूट्स, ठीक है? ये वाला जो टी वन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन बाय फोर है, सॉरी है ना, अगर आप इसकी वैल्यू, अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू इज ग्रेटर देन माइनस वन बाय फोर ऐसा आ रहा है तो इसके तो आएंगे आपके रियल रूट्स, दिस विल गिव यू रियल रूट्स इन एक्स, राइट? दिस विल गिव यू रियल रूट्स इन एक्स इस क्वाड्रेटिक से, तो कोई भी वैल्यू टी वन की जब आप डालोगे जो माइनस वन बाय फोर से बड़ी है, ठीक है? सो यू गेट रियल रूट्स इन एक्स, बट वेयर एज जब इसको डालोगे आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन माइनस हाफ, सो दिस विल हैव नॉन रियल रूट्स, राइट? दिस इक्वेशन विल हैव नॉन रियल रूट्स, मीनिंग अगर आपने इसको लिखा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को टी टू जब लिखा तो दिस इक्वेशन विल प्रोवाइड यू टू नॉन रियल रूट्स, ठीक है ना? क्योंकि टी टू की जो वैल्यू माइनस हाफ है वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कभी अटेन ही नहीं कर सकता, उसकी रेंज में ही नहीं है, तो आ ही नहीं सकता रियल एक्स की वैल्यू के लिए माइनस वन बाई टू से छोटी वैल्यू, राइट? एक तो ये केस हो गया आपका कि ए लेस देन इक्वल टू थ्री बाई टू के लिए दो रूट्स रियल होंगे, जो आपकी ओरिजिनल बायक्वाड्रेटिक इन एक्स है उसके दो रूट्स रियल हैं, है ना, यहां से, और दो रूट्स नॉन रियल हैं यहां से, फ्रॉम दिस केस पुटिंग इट इक्वल टू टी टू। आई होप दिस थिंग इज क्लियर, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है? अब आगे देखते हैं सेकेंड केस, इफ ए इज ग्रेटर देन थ्री बाई टू, ठीक है? ए ग्रेटर देन थ्री बाई टू है अगर, सो उस केस में क्या होगा, देखो टी वन आपका, इसका मतलब क्या होगा, जो टी वन है वो आपका टी वन भी माइनस वन बाय फोर से छोटा है, दिस इज लेस देन माइनस वन बाय फोर एंड टी टू तो माइनस वन बाय टू से छोटा है, सो इन दिस केस नॉन रियल, ठीक है? इसके लिए भी नॉन रियल रूट्स आएंगे एक्स में, सो इन दिस पर्टिकुलर केस तो हम ऐसा ही लिख सकते हैं कि दोनों के लिए ही नॉन रियल रूट्स आएंगे, फॉर बोथ दीज केसेस यू विल गेट नॉन रियल रूट्स इन एक्स, क्योंकि जब आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को टी वन लिखोगे उससे दोनों नॉन रियल रूट्स आएंगे, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को जब आप टी टू के साथ इक्वेट करोगे तब भी टू नॉन रियल रूट्स आएंगे, सो ओवरऑल यू विल गेट फोर नॉन रियल रूट्स, ठीक है ना? सो गाइस अब आप ओवरऑल देख सकते हो, हमने ये तो पहले तो इस ये चीज तो हमने इनडायरेक्टली प्रूव कर ही दी है कि ओवरऑल कि कभी भी इसके चारों रूट्स रियल तो हो ही नहीं सकते, ये तो हमने प्रूव कर दिया ना, ठीक है ना? ये तो हमने प्रूव कर ही दिया कि ए लेस देन इक्वल टू थ्री बाई टू के लिए टी टू नॉन रियल आ रहा है, मतलब टी टू की वैल्यू माइनस हाफ से छोटी आ रही है तो दो नॉन रियल रूट्स आ रहे हैं, और ए अगर ग्रेटर देन थ्री बाई टू है तो चारों रूट्स नॉन रियल आ रहे हैं, सो कोई भी ए की वैल्यू ऐसी है ही नहीं जिसके लिए कि आपके पास चारों रूट्स रियल आ रहे हो, वो तो हो ही नहीं पा रहा, एटलीस्ट टू नॉन रियल रूट्स हमेशा आ रहे हैं क्योंकि उसका एक रूट तो माइनस हाफ से पक्का छोटा आ ही रहा है, टी टू का, टी का एक रूट तो कम से कम माइनस हाफ से छोटा आएगा ही आएगा, है ना?
एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कैन नेवर अटेन दैट वैल्यू, तो दो नॉन रियल रूट्स तो हमेशा ही आ रहे हैं, ये तो आपका हो गया प्रूफ, ठीक है ना। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। तो हमने यहां से शुरुआत की थी कि ए ग्रेटर देन टू के लिए तो पक्का ही नॉन रियल है सारे के सारे, क्योंकि जो डी की टी की क्वाड्रेटिक है वही नॉन जीरो रूट्स दे रही है, नॉन रियल रूट्स दे रही है। एंड उसके अलावा व्हेन ए इज लेसर देन इक्वल टू टू, तो उस इंटरवल में आपके पास क्या मिला, आपको मिला कि ए अगर लेस देन इक्वल टू थ्री बाई टू है तो आपके दो नॉन रियल रूट्स हैं, दो रियल रूट्स हैं, एंड इफ ए इज ग्रेटर देन थ्री बाई टू फिर चारों रूट्स नॉन रियल है, ठीक है। ये काम हो गया अब आपका। सो फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन कि ये प्रूव करना कि कभी भी चारों के चारों रूट्स रियल आ नहीं सकते, या फिर दैट इट विल ऑलवेज हैव वन नॉन रियल रूट, है ना, रादर एटलीस्ट दो नॉन रियल रूट बोल सकते हो, होंगे ही होंगे, वो कर दिया हमने प्रूव, राइट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब सेकेंड पार्ट क्या था, सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना था, हमें नॉन रियल रूट्स का सम ढूंढना था, राइट। सो उसके लिए गाइस हम ये देखते हैं, सेकेंड केस कंसिडर करते हैं, अगर चारों रूट्स नॉन रियल है, चारों रूट्स अगर नॉन रियल है तो आपकी बाय क्वाड्रेटिक थी ये 8x^4 - 16x³ + 16x² - 8x + a = 0, है ना। सो इन द सेकेंड केस व्हेन a इज ग्रेटर देन 3/2, इन दैट केस सम ऑफ रूट्स तो सीधा इसी का देखने, क्योंकि चारों नॉन रियल रूट्स हैं, ठीक है। सो सम ऑफ नॉन रियल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द रूट्स विच इज 16/8, दैट इज 2, ठीक है। सो व्हेन a इज ग्रेटर देन 3/2 द सम ऑफ द नॉन रियल रूट्स इज 2, ओके। सेकेंड केस व्हेन a इज लेसर देन इक्वल टू 3/2, दो नॉन रियल रूट्स है ना, हमने अभी डिस्कस किया यहां पे, वहां पे दो नॉन रियल रूट्स हैं। सो किस क्वाड्रेटिक, किस t के लिए हैं दो नॉन रियल रूट्स, आपको ये भी समझना पड़ेगा, है ना। x² - x की वैल्यू है ना, सो x² - x की वैल्यू थी, ठीक है, उसकी वैल्यू अब क्या रख रहे हो आप, माइनस हाफ से छोटा, विच इज गिविंग यू नॉन रियल रूट्स, है ना। सॉरी आई एम सॉरी गाइस, ओके, हम क्या बात कर रहे थे कि x² - x की वैल्यू जो माइनस हाफ से छोटी है, ठीक है, इज इक्वल टू t2, जो t2 वैल्यू दैट इज लेसर देन माइनस हाफ, उससे नॉन रियल रूट्स आने ना, इससे नॉन रियल रूट्स आने, तो इसका सम क्या आएगा नॉन रियल रूट्स का, व्हाट इज द सम ऑफ नॉन रियल रूट्स, अगेन x² - x है वहां पे, सो 1 आ जाएगा, राइट, दैट इज 1 नाउ, सो दैट्स इट। सो मैं समराइज कर देता हूं गाइस यहां पे साइड पे, सो व्हाट डज दिस मीन ओवरऑल, अगर सो सम ऑफ नॉन रियल रूट्स क्या आएगा, सम ऑफ नॉन रियल रूट्स इज 2 or 1 फॉर a लेस देन इक्वल टू 3/2 एंड द सम इज 2 फॉर a ग्रेटर देन 3/2। सो दिस इज द सम ऑफ नॉन रियल रूट्स, ओके, कि सम ऑफ नॉन रियल रूट्स विल बी 1 इन केस a इज लेसर देन इक्वल टू 3/2, और अगर a का वैल्यू 3/2 से बड़ा है देन चारों रूट्स नॉन रियल हैं एंड द सम ऑफ रूट्स विल बी 2 इन दैट केस, ठीक है। सो दैट इज द वे, वन वे टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन लॉजिकली, गाइस कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, मे बी यू विल फाइंड द जो ऑफिशियल आंसर की दिया हुआ, ऑफिशियल सोल्यूशन दिया हुआ ना मैथ्स ओलंपियाड के लिए, दैट इज क्वाइट डिफरेंट, थोड़ा डिफरेंट है, उसमें सब्सटीट्यूशन वगैरह अलग की हुई है, बट आई फाइंड दिस मेथड टू अंडरस्टैंड इज क्वाइट ईजी। अगर आप x² - x का कॉन्सेप्ट समझ सकते हो कि उसकी रेंज -1/4 से इन्फिनिटी जा रही है, राइट, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू -1/4, तो अगर आपने उसको सब्सटीट्यूट किया है t की फॉर्म में, तो जो आपका क्वाड्रेटिक t में बनता है उसके चारों रूट्स -1/4 से बड़े नहीं हो पा रहे, दैट इज हाउ, या फिर उसके दोनों रूट्स -1/4 से बड़े हो ही नहीं पा रहे, ठीक है ना, आपने वो देख लिया, इट इज -1/2 + some quantity एंड -1/2 - some quantity, तो एटलीस्ट एक रूट उसका -1/2 से भी छोटा आ रहा है, तो इनडायरेक्टली -1/4 से छोटा है, विच विल ऑलवेज गिव इट नॉन रियल रूट्स, वहां पे तो ये चीज प्रूव हो ही गई है, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ओके, फाइनल आंसर इज दिस थिंग, मैं हाईलाइट कर देता हूं उसको, दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके, सॉरी अबाउट दैट, दिस इज योर फाइनल आंसर, कि सम 1 आ जाएगा इफ a इज लेसर देन इक्वल टू 3/2 एंड सम विल बी 2 इफ a इज ग्रेटर देन 3/2, ठीक है। तो दैट इज द आंसर,
एंड दैट इज हाउ यू कैन सॉल्व इट। लग रहा होगा कि बहुत लेंदी कर दिया हमने, बट इट वॉज जस्ट दैट कि मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा था इसलिए ऐसा आया। ओके, अदरवाइज दिस इज क्वाइट एन ईजी क्वेश्चन, आप ध्यान से इसको सोच के दोबारा से देखना। राइट, ऑलराइट गाइस, आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, मजा आया आप सब लोगों को, कुछ लर्न करने को मिला। ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी बैक विद द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ INMO 2003। राइट, सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग। राइट, थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर। सो गाइज, वी आर लॉन्चिंग अवर मैथ्स ओलंपियाड कोर्सेज फॉर दिस ईयर 2022। So in which Abhay sir, Chetan sir and me, myself, Lohit Jindal will be taking these courses. So I'll tell you what are the features of this course, guys. Okay. So first of all, this course will be started from the very basics. To accommodate that, we have kept 4 sessions a week. हम वीक में 4 सेशन रखने वाले हैं, not 3 as we were previously doing it. तो 4 सेशंस रखेंगे जिसमें हम pretty much basics से pick करेंगे हर चीज़ को. ठीक है, it will give us that much time. ओके, सो हम बेसिक से करेंगे, दैट द सेशंस विल बी 4 टाइम्स अ वीक। सेकंड थिंग, यू विल बी गेटिंग गुड असाइनमेंट्स, लाइक लेवल वाइज असाइनमेंट्स गोइंग फ्रॉम अंडर प्री आरएमओ लेवल टू आरएमओ लेवल इन दैट असाइनमेंट्स इटसेल्फ। राइट, तो लेवल वाइज असाइनमेंट होगा तो आप उसको इजीली अपना लेवल अप करते जा सकते हो, धीरे धीरे योर लेवल विल इंक्रीज ग्रेजुअली इन दैट, है ना, सीधा डायरेक्टली मुश्किल क्वेश्चन से आपको डील नहीं करना पड़ेगा। देन द थर्ड थिंग इज, देयर विल बी डाउट सॉल्विंग ग्रुप्स ऑन टेलीग्राम। ठीक है, तो आपके रेगुलरली डाउट्स टेलीग्राम पे डिस्कस कर सकते हो आप, विद इन 24 आवर्स आपके डाउट्स सॉल्व हो जाया करेंगे। राइट, एंड देन द नेक्स्ट थिंग इज दैट देयर विल बी टेस्ट्स, रेगुलर टेस्ट्स विद एग्जैक्ट सेम लेवल, एग्जैक्ट सेम काइंड ऑफ लेवल, रदर थोड़ा बहुत हायर रखते हैं बट प्रीटी मच द सेम लेवल एंड पैटर्न ऑफ प्री आरएमओ, सो दैट यू गेट एम्पल प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग और सॉल्विंग अ प्री आरएमओ पेपर बिफोर द एक्चुअल एग्जाम। राइट, सो गाइस, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दीज कोर्सेज इन स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मैथ्स, आप लोग बाय कर सकते हो ये वाला कोर्स। राइट, सो दिस इज द प्राइसिंग फॉर द कोर्स गाइज, 20,000 कोर्स, द प्राइसिंग ऑफ द कोर्स इज दैट 20,000, बट सिंस वी आर स्टार्टिंग अर्ली, लाइक अभी बहुत कम, अभी थोड़ा टाइम बाकी है, सो वी आर ऑफरिंग स्टीप डिस्काउंट्स, 55% डिस्काउंट पे। द कॉस्ट ऑफ दिस कोर्स इज 9,000 रुपीज, यू कैन गेट रजिस्टर्ड एंड गेट दिस कोर्स फॉर 9,000 रुपीज, जिसके अंदर हम आपको पूरा एंड तक लेके जाएंगे। ठीक है, द मैक्सिमम स्टेज यू कैन गेट टू इन मैथ्स ओलंपियाड, and you can apply this code LJPRO, ठीक है, to get an extra discount of additional 10% on this 9,000 rupees, 8,999 के ऊपर आपको further 10% और discount मिल जाएगा। So the link is in the description box, आप register कर सकते हो बैच के लिए अभी से। So if you are guys interested in Maths Olympiad और पढ़ना चाहते हो पूरा शुरू से, so you guys this course will be very very helpful to you, okay? All right guys, thank you, bye-bye.